तो वेलकम है दोस्तों आपका मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हार्ट में हुए ब्लॉकेज को खोला जा रहा है इस मशीन के थ्रू। ये 40 दिन का कोर्स होता है, इसके लिए 1,40,000 रुपये लगते हैं दोस्तों, और आपको डेली यहाँ पे आना पड़ेगा इस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल नहीं, इसे एक छोटा सा साउल का सेंटर कहेंगे। यहाँ पे ब्लॉकेज नसों को खोला जाता है। ये वीडियो में मैं आपको सब दिखा दूंगा कि कहाँ पर ये सेंटर है, अगर आप झारखंड से हैं तो कहाँ आपको जाना है। वैसे ये ये साउल का सेंटर हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ ये झारखंड के साउल सेंटर से है, जो कि रांची के लालपुर चौक में लोकेटेड है। आगे वीडियो में मैं आपको इसका लोकेशन दिखाऊंगा कहाँ पर आपको आना है। वैसे आप जिस भी स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपके स्टेट में भी साउल सेंटर है, ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। अगर आपको चलने फिरने में छाती में पेन होता है, अगर आप कोई वजन नहीं उठा पाते हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका खतरा बढ़ चुका है और आपको तुरंत इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से आपके हार्ट में जो पतले पतले नस होते हैं वो पतले नस जाम होने लग जाएंगे, जिससे आपको चलने फिरने में कठिनाई होगी और इसी कठिनाई के कारण आपको चेस्ट पेन होता है। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये एक तरह से थेरेपी हो रहा है आपके नसों को खोलने के। पेन हो रहा है मतलब समझ जाओ कि खतरा बढ़ चुका है, आपको जल्द से जल्द आपको इलाज करवा लेना चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए YouTube पे विमल छाजर जी का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो आप बिल्कुल भी तेल का सामान खाना बंद कर दीजिए। वीडियो में ये जो आप दीदी को देख रहे हैं, ये दीदी छत्तीसगढ़ से अपनी मदर को लेकर आई हुई हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी साउल का एक सेंटर है। जब आप रांची के साउल सेंटर में आएंगे तो यहाँ एक आपको शर्मा अंकल मिलेंगे, उनसे आप ज़रूर मिलिए। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ मेरी एज कितनी होगी, तो मैंने अपने अंदाजे से 75, तो उन्होंने कहा रॉन्ग, 86। मुझे उन्हें देख कर विश्वास नहीं हुआ कि वो 86 ईयर के होंगे। ये है वो शर्मा अंकल जिनके बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा था। यही है इनका ऑफिस, यहीं पे ये बैठते हैं, यहीं पे आपको ये मिलेंगे। अभी इस उम्र में भी ये अच्छे से चल फिर लेते हैं और अपना सारा काम ये अपने से करते हैं। इनकी आवाज़ में एकदम आपको लगेगा ही नहीं इनके आवाज़ से कि ये 86 एज के हैं, क्योंकि ये इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम था। और ये जो आपको मैंने बताया कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ, जैसे कि आपको तेल का सामान नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, दूध से मक्खन निकाल के खाना है, ये सारे चीज़ को ये फॉलो करते हैं। छाल का काढ़ा पीना है। ये देखिए दोस्तों, ये है मशीन और इस तरह से ये पंपिंग। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये होना है। छब्बीस मिनट हुआ है आपका ना? अच्छा हाँ,
ब्लॉकेज था ना, एटी से 90 के बीच तो ज़्यादा है, 80 से 90 के बीच में था ब्लॉकेज। गवर्नमेंट वाला अच्छा, तो ये आयुष्मान का कुछ नहीं दिया? ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा ये रांची में ये सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ मैप के थ्रू। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बुट्टी मोड़ की ओर से अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं तो आप पहले आपको कोकर जाना पड़ेगा। कोकर से आप जाएंगे लालपुर चौक, लालपुर चौक से आप दाहिने मुड़ेंगे तो आपको दिखेगा एक राजस्थानी होटल। होटल के कॉर्नर से ही वो रास्ता जाता, होटल के कॉर्नर पे ही वो साउल का सेंटर लोकेटेड है। ओके, वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैप के थ्रू। ओके, तो मैंने अभी यहाँ गूगल मैप खोला और गूगल मैप में मैंने सर्च करा साउल हार्ट सेंटर इन रांची लालपुर, इसे मैंने सबसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करा। ये देखो यही वाला है, ये मैप मुझे लालपुर चौक का लोकेशन दिखा रहा है। ये देखो मैं अभी जूम करते जा रहा हूँ, ये जो आप चौक देख रहे हो चौराहा, ये लालपुर चौक है। और यहाँ से मैंने दायां, जैसा कि आपको बताया कि कोकर से आप आ रहे हैं तो आपको दाहिना लेना है, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लगभग 40-50 मीटर तो वहाँ जाके आपको यहाँ रुक जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू राजस्थान होटल लिखा हुआ है। इस न्यू राजस्थान होटल के पास आप ये जो होटल दिख रहे हो, होटल लिखा हुआ है, होटल के नीचे यहाँ पे बाइक लगा हुआ है। इस बाइक के पास से ही अंदर रास्ता जाता है, एक पतला गली सा होगा, इसमें आपको सीधा चले जाना है। वहाँ आप देखेंगे बिमल छाजर सर का फ़ोटो लगा हुआ है, और आप अंदर जाएंगे तो आपको शर्मा सर मिल जाएंगे और आप अपना ट्रीटमेंट करा के बच सकते हो। तो ये है वीडियो का अंत, थैंक यू।